मम्मी के पास जाना है। चलो देखते हैं अंदर कौन है। चलो अंदर देखते हैं मम्मी है कि नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये तो मम्मी है यहाँ पे और छोटा बेबी भी है इसमें तो। ओ ओ हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ 2 महीने बाद बना रही हूँ, क्योंकि 7 अगस्त को जो मेरी सेकंड सीजेरियन हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये ब्रेक के बाद जब दोबारा स्टार्ट जब करना है तो क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ ही स्टार्ट किया जाए। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी जो मेरा जो सेकंड सीजेरियन हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, और इसके साथ ही जो डिलीवरी हुई है अभी वो मतलब COVID-19 के टाइम पे ही हुई है, तो इसके साथ ही मैं ये भी शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि सबके मन में डर है स्पेशली डिलीवरी को लेकर के, कि अगर बाहर जो है जैसे हॉस्पिटल में जो सेफ नहीं है, मतलब जो भी कुछ है बाहर सिचुएशन, तो क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा ही डर था डिलीवरी से पहले। तो ये सब एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आज इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो मेरा सीजेरियन हुआ ये प्लान सीजेरियन था, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई है वो भी सीजेरियन ही हुई थी। कि मैंने इस बार भी डॉक्टर से बात की थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, तो ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो इस पे करूंगी कि सीजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो हुई 7 अगस्त को हुई है, तो उससे पहले कि जैसे कि आप डॉक्टर विजिट करते हो तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, तो जो भी कुछ मेरे मन में जो भी डाउट था जो कुछ भी था इसको लेके मैंने अपने डॉक्टर से पहले ही डिलीवरी से पहले ही सब क्लियर कर लिया था, सब उनसे डिस्कस कर लिया था। और जैसे कि आपको पहले से ही हॉस्पिटल बुक करना होता है, तो उन्होंने मुझे 3 या 4 हॉस्पिटल मुझे सजेस्ट किए थे जिसमें भी वो जाती हैं। तो जो 3 हॉस्पिटल थे तो उसमें ये था कि कोरोना पेशेंट भी आते हैं उसमें, कि मना नहीं कर रहे हैं अगर कोई आ रहा है तो जो एक हॉस्पिटल था वो सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल था, उसमें कोई कोरोना पेशेंट नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है हमें वही चूज करना था। और उसके साथ ही मुझे उससे पहले जो है कोरोना टेस्ट भी करवाना था, क्योंकि उसमें यह था कि अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आएगी तभी आपको उस हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो आपको कोई दूसरा हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। तो जो मेरी जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी। तो उसके बाद और उसके मतलब डिलीवरी को लेकर जब आपका सीजेरियन होना होता है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट में सीजेरियन हुआ था तो पहले तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि सीजेरियन होना है, तो इसलिए कुछ नहीं होता उसमें, कि मतलब सब कुछ अचानक से हो रहा था। लेकिन जब सेकेंड टाइम तो आपको पता होता है कि क्या क्या होना है, तो उसको लेकर के थोड़ा डाउट भी था मन में और थोड़ा सा मतलब डर भी था। तो डॉक्टर ने एक दिन पहले मुझे बुलाया था विजिट के लिए, तो उस दिन जब हम गए थे तो जो भी डाउट थे मैंने अपने डॉक्टर से सब डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि जो और मैं हर विजिट में करती थी कुछ ना कुछ, कि जैसे जो इंसीजन है दोबारा से उसी जगह पे कट लगेगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या उसका हीलिंग टाइम कैसा रहता है, या अगर जो स्टिचेज आएंगे, जैसे पहले जो फर्स्ट सीजेरियन मेरा हुआ है उसमें मेरा पेस्टिंग हुआ था, तो सेकेंड में स्टिचेज आएंगे तो कैसे आएंगे, या पेस्टिंग क्यों नहीं हो सकता दोबारा। तो ये सब बहुत से जो डाउट थे वो मैंने डॉक्टर से सब डिस्कस कर लिए थे, और इवन कि फ़ोन पे भी मतलब डिलीवरी से एक दिन पहले तक भी मैंने उनसे फ़ोन पे भी बहुत सारे अपने जो डाउट है मैंने उनसे फ़ोन पे भी डिस्कस किए हैं। तो उन्होंने बहुत ही तसल्ली से बहुत ही आराम से मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और जब हमने जब हॉस्पिटल बुक किया था तो मुझे डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही जो है पता लगा था कि जो हॉस्पिटल हमने बुक किया है जिसमें कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है, तो उसमें ये था कि आपको सिर्फ एक ही अटेंडेंट जो है आपके साथ जाएगा वही आपके साथ 3 दिन तक रुकेगा, अटेंडेंट चेंज नहीं हो सकता है, ना ही कोई विजिटर विजिट करने आ सकते हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे जो मतलब टफ जो चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि 3 दिन मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूँगी, कि 3 दिन उसको देखूंगी नहीं और वो कैसे रहेगा मेरे बिना। तो जो सबसे ज़्यादा जो मतलब मुश्किल जो चीज़ थी इस टाइम पे मेरे लिए वो यही थी कि वो 3 दिन कैसे रहेगा मेरे बिना। नॉर्मल डेज में तो होता है कि जो आपका जो विजिटर है वो आपको विजिट करने आते रहते हैं, तो कभी कोई रुक जाता है आपके साथ, किसी दूसरे दिन कोई और रुक जाता है, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनसे मिल सकते हो, आपसे मिलने आ सकते हैं। बट इस टाइम पे उस हॉस्पिटल की प्रोटोकॉल थे कि कोई भी विजिटर नहीं आएगा, क्योंकि फिर कोई सेफ्टी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी विजिट करने आता रहेगा तो हो सकता है कि कहीं से कोई इन्फेक्शन आ जाए। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी था, इसीलिए मेरा भी टेस्ट कराया गया था पहले। तो जैसे कि जो ऑपरेशन जो होता है वो डेट हमने चूज़ की थी 7 अगस्त, और साथ ही टाइम भी था कि 2 से 3 के बीच ही मुझे डिलीवरी करनी है। तो डॉक्टर ने मुझे 12 से 1 के बीच बुलाया था कि आप आकर के एडमिट हो जाओ, इसके साथ ही आपको बोला जाता है कि आपको ऑपरेशन से 6 घंटे पहले तक फास्टिंग करनी होती है, कि आपको कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना होता है। तो सुबह 8 बजे तक जो है मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद हम 12:30 बजे हम घर से निकल गए थे, लेकिन थोड़ा सा हम लेट चल रहे थे, तो इसलिए वहाँ जाके तो पहले आपको एडमिट करने से पहले कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था,
तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब चलो कि लेट हो रहा है, कि पहले आपके बहुत से टेस्ट वगैरह होते हैं, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा कि 2 से 7 दिन के बीच आपको डिलीवरी करना है। उसके बाद जब मुझे एडमिट किया गया, तो उसके बाद ये था कि टाइम कम था, तो इसलिए वो थोड़ा सा अजीब एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि जो एक नर्स है वो मेरे एक हैंड पे ड्रिप लगा रही थी, और दूसरी जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, और तीसरी जो है मेरा शुगर टेस्ट कर रही थी, एक और थी जो मेरे ब्लड सैंपल ले रही थी, और उसी के साथ ही एक और थी जो कैथेटर लगा रही थी। तो ये सब कुछ जो एक साथ चल रहा था, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप थोड़ा आराम से कर लो, एकदम से ये सब क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, टाइम कम है, क्योंकि आपने मतलब 7 दिन से पहले ही आपको डिलीवरी करवानी है, तो आप थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज ये भी थी कि इस टाइम तक भी मुझे मास्क लगा के रखना था, कि जब मुझे एडमिट किया गया था तो मैंने मास्क हटा दिया था, लेकिन जब डॉक्टर चेकअप के लिए आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मास्क नहीं हटाना, आपको मास्क लगा के रखना है। और उसके साथ साथ ये सब जो चल रहा था कि 3-4, एक कोई सैंपल ले रहा है, एक कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है, कोई शुगर टेस्ट कर रहा है, कोई ड्रिप लगा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा अजीब था। उसके बाद जब ये सब जब हो गया, उसके बाद जब मुझे ओटी में लेकर के गए, तो जो मेरे हस्बैंड है वही बाहर ही खड़े हुए थे, तो उनसे मिलने के बाद जब मैं ओटी में गई, तो वहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो ये था, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ पे जब ओटी पे वहाँ स्ट्रेचर पे जब मुझे लेटाया गया, तो उन्होंने पूछा कि ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने वहाँ पे उनको सबसे पहले यही बोला कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने बोला कि भूख लग रही है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी 2 दिन तक आपको सिर्फ लाइन से जो ट्रिप लगी थी उससे काम चलाना पड़ेगा, कि अभी आपको खाना पीना नहीं दिया जा सकता। तो ओटी में ले जाके जब आपको बिठाते हैं, उसके बाद आपके पीछे बैग पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वहाँ पे पहले वो क्या करते हैं, आपकी जो बैग है उसको क्लीन करते हैं सैनिटाइजर से या सिप्रिट से, किसी से वो क्लीन करते हैं। उसके बाद आपको उस पोजीशन में बिठाया जाता है कि हेड डाउन करके, कि आपकी जो स्पाइन में जो इंजेक्ट किया जाता है, कि आपको मूवमेंट नहीं करना होता बिल्कुल भी। तो मुझे स्पाइन में जो इंजेक्ट किया गया एनेस्थीसिया वो दिया गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर लेटा दिया। और जब वो मुझे एनेस्थीसिया दे रहे थे, तभी उस टाइम पे मेरी डॉक्टर ओटी में आई थी, और उन्होंने भी आते सबसे पहले यही पूछा था कि ठीक हो, कैसे हो, डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि डिलीवरी से पहले मैंने उनसे हर एक चीज़ अपनी डिस्कस की थी कि मुझे क्या डर लग रहा है या क्या मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। तो उन्होंने बहुत तसल्ली से मुझे वो सब समझाया था, और ओटी में आते सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि कैसे ही हो, कि डर तो नहीं लग रहा है। तो उसके बाद जब मेरा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि जो भी वहाँ स्टाफ था और जो मेरी डॉक्टर थी, वो साथ साथ मुझसे बात कर रही थी। और दूसरा ये भी हुआ कि मैंने उनसे तब पूछा कि क्या मैं मास्क हटा दूँ, तब उन्होंने बोला हाँ कि आप मास्क हटा सकते हो। तो लेकिन उसके बाद ये था कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें होता है धीरे धीरे आपके जो पैर हैं वो नम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो ऊपर आने लगता है, मतलब आपका जो लोअर पार्ट है वो पूरी तरह से नम हो जाता है, लेकिन जो चेस्ट है आपके वो आपको थोड़ी हैवी फील होती है, थोड़ी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको फील होती है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, कि तो उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मेरा फर्स्ट सीजन के टाइम पे ऑक्सीजन लगा था, कि आप प्लीज़ लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया। और उसके साथ ही मैंने अपने डॉक्टर से डिलीवरी से एक दिन पहले जब मैं गई थी, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट और करी थी कि जब भी जैसे ही बेबी बाहर आएगा और मुझे दिखाओगे, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लेना। और जब मैं वहाँ ओटी में गई थी, तो वहाँ का भी जो भी स्टाफ था, जो भी नर्स होती है, जो भी मतलब हेल्पर जो भी वहाँ पे होते हैं, तो मैंने उनको भी बोला था कि जब बेबी जैसे बाहर आएगा तो आप फ़ोटो प्लीज़ ले लेना। तो उन्होंने जैसे ही जब बेबी बाहर आया, तो आते ही जब उन्होंने क्लीन करके जब मुझे दिखाया, तो एक नहीं पता नहीं उन्होंने कितनी सारी फ़ोटोज़ वो ली थी। और डॉक्टर ने भी ओटी में आते ही पहले ही सबको बोल दिया था कि भाई इनकी फ़ोटो ले लेना। तो जो ओटी का एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा था। बेबी दिखाने के बाद जब डॉक्टर जो है स्टिच कर रही थी, तब भी उसे साथ साथ बात करती जा रही थी। और जब ये सब कुछ मतलब हो गया, तो इसमें आपको कुछ पता नहीं लगता है, इस सीजेरियन में आपको कोई पेन फील नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा मूवमेंट फील होता है। उसके बाद जब मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तो इस टाइम पे क्या था कि जैसे बहुत से लोगों को ना मतलब वो होती है शिवरिंग होती है, मतलब उनकी बॉडी शेक करती है, ठंड लगती है। तो ये भी मैंने अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे ऐसा था, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट डिलीवरी जो मेरी हुई थी वो दिसंबर में हुई थी, तो सर्दियाँ थी, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, क्योंकि ओटी में तो क्योंकि ऑपरेशन में तो ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, और तो आपकी बॉडी में बिल्कुल कपड़े नहीं रहते हैं, और थोड़ा उसमें एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी होता है। लेकिन अब जो गर्मी है, तो आपको वो ठंड नहीं लगेगी, आपकी जो बॉडी शेक नहीं होगी, तो इस टाइम वो नहीं था। इसलिए भी थोड़ा सा ये जो एक्सपीरियंस है मेरा पॉजिटिव था, कि वो सब जो मेरे मन में डाउट थे कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पूरे 2 घंटे तक, मुझे याद है कि पूरे 2 घंटे तक मेरी बॉडी जो है लगातार शेक कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इस टाइम पे वो सब नहीं था। कि ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया था,
तब भी ये था, आपको जो आपका जो रूम आपको दिया जाता है वहां पे शिफ्ट आपको नहीं किया जाता है, आपको एक दूसरे अलग रूम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे वो आपको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। तो वहां पे मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए थे, उसके बाद 6 बजे मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया कि आपको एक अलग से रूम दे दिया जाता है। और जैसे ऑपरेशन के टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे ऊपर, लेकिन उसके बाद जब मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था और फिर बेबी को भी उन्होंने दे दिया था 6 बजे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे और फिर मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, तो वो ही मेरे साथ 3 दिन रुकी थी। तो जो एनेस्थीसिया का जो असर है वो धीरे धीरे फिर 3 से 4 घंटे बाद कम होने लग जाता है, और जब धीरे धीरे जो आपका जो पेन है, जो एनेस्थीसिया का जो असर है वो कम होने लगता है, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा पेन फील होने लगता है। तो उसमें ये होता है कि आपको एक तो पहले 24 आवर्स तक जो है आपको सीधे ही लेटे रहने को बोला जाता है कि आपको पिलो यूज नहीं करना होता है, कि अगर आप पिलो यूज करोगे तो आपको बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है या हेडेक हो सकता है, तो आपको बिल्कुल सीधे लेटना होता है। और खाने पीने को भी आपको वो नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे जो दिया गया था वो सेम डे तो नहीं दिया गया था, मतलब अगर 3 बजे मेरी डिलीवरी हुई थी तो पूरा दिन और पूरी रात मुझे पानी भी नहीं मिला था। तो नेक्स्ट डे उन्होंने लिक्विड डाइट मेरी स्टार्ट की थी, तो नेक्स्ट 2 दिन तक जो मुझे लिक्विड डाइट पे ही रखा था, और 3rd डे था कि थोड़ा सा सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड उन्होंने देना स्टार्ट किया था, क्योंकि इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा पेट में, जब उन्होंने लिक्विड डाइट जो दी थी स्टार्ट किया था उसके बाद मुझे पेट में थोड़ा सा गैस हो रहा था। क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपको उठने के लिए बोला जाता है कि आपको जो कैथेटर लगा होता है वो रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको उठ करके थोड़ा वॉक करना होता है, चलना होता है, आपको खुद से वॉशरूम जाना होता है, और वो जरूरी भी होता है क्योंकि जब आप मूव करना थोड़ा स्टार्ट करोगे तो उसी से जो आपकी रिकवरी है वो भी जल्दी होती है, और आपके जो बॉबल मूवमेंट होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट डे से आपको वो चलने के लिए बोल देते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप उठते हो तो आपको बहुत पेन होता है स्टिचेस में, वैसे तो वहाँ पे वो हेल्पर होता है कि आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कि वो आपको आपके साथ ही रहेंगे, वॉशरूम भी अगर आप जाओगे तो वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी उस टाइम पेन होता है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि अपने अगर आप स्टमक को नीचे से होल्ड करके स्टिचेस के थोड़ा सा ऊपर से चलोगे तो उसमें पेन नहीं होता है। इस हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो हुई थी तो वहाँ पे नर्स ने मुझे बोला था कि अगर आप अपने स्टमक को नीचे से होल्ड कर लोगे और चलोगे तब तो आपको पेन कम होगा, और जब तक आपके जो बॉबल है वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको जो है डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, तो इसलिए वो कुछ मेडिसिन भी देते हैं। और दूसरे दिन वो क्या करते हैं कि जो आपका जो सलाइन चल रहा था, ड्रिप जो चल रही थी वो भी हटा देते हैं, कि जो बाकी जो भी मेडिसिन जो है वो आपको ऑरली दी जाती है, क्योंकि अभी तक जो भी आपको क्योंकि अभी तक जो भी आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक वगैरह जो भी दी जाती है 2 दिन तक आपको ड्रिप के थ्रू ही दी जाती है, क्योंकि एक तो सीधा वो ब्लड में जाती है और दूसरा वो स्ट्रांग होती है, तो इसलिए वो जल्दी असर करती है। बाकी जो ऑरली जो आपको दी जाती है, तो 3rd डे था कि मुझे जो थोड़ा सा स्टिचेस में पेन होने लगा था, तब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि अभी 2 दिन तक इतना पेन नहीं था कि आज थोड़ा पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला था कि अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको दी जा रही थी और वो सीधा ड्रिप के थ्रू दी जा रही थी, अब आप ऐसे ले रहे हो तो वो थोड़ी सी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब तो थोड़ा आपको पेन होगा, लेकिन बॉडी धीरे धीरे जो है इस पर एडजस्ट कर लेती है। और जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो 3 दिन, तब तक आपको वो रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं कि आपका जो पल्स है, पल्स रेट वो चेक किया जाता है, आपका पीपी चेक किया जाता है, और आपका फीवर वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है आपको स्टिचेस में या आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट साइन होता है फीवर होता है। और वहाँ पे मुझे एक और प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि जैसे मैं उठती थी तो मुझे लगता था कि अंदर जो है बिल्कुल सब खाली है, या जब मैं उठ के या चलती थी तो लगता था कि सांस फूल रही है। तो जब डॉक्टर विजिट पे आए थे तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अभी जैसे बेबी था अंदर, तो जितने इंटरनल पार्ट होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं, वो सब शिफ्ट हो जाते हैं बेबी को स्पेस देने के लिए, तो अब जब बेबी बाहर आ गया है तो इसलिए आपको लगता है उठने पे कि अंदर कुछ है नहीं, सब खाली है, लेकिन वो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और डिस्चार्ज के टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो चेंज करनी होती है, तो वो ड्रेसिंग हटा करके वो आपको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा देते हैं, और आपको बोला जाता है कि आपको घर जाके नहाना है। और स्टिचेस में जो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में जो पेन होता है वो इस वजह से भी होता है कि जो ड्रेसिंग जो की होती है पहले वो थोड़ी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो इसलिए जब आप चलते हो तो आपकी स्किन जो है खिंचती है, क्योंकि वो बहुत एक बैंडेज होता है, मोटा होता है, तो इसलिए भी थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा पेन होता है, थोड़ी जलन होती है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मेरी वाटरप्रूफ ड्रेसिंग जब कर दी थी, वो बहुत पतली होती है, लाइट होती है, तो उसके बाद मुझे इतना पेन नहीं हो रहा था। और डिस्चार्ज के टाइम पे जब ये लोग मुझे लेने आए थे, मेरे हस्बैंड आए थे, पापा आए थे, साथ में बेटा आया था, तो उस टाइम पे क्या था, जब मैं नीचे आई थी तब मेरा बेटा वहाँ पे सो रहा था, युवान सो रहा था, तो जब उसको उठाया गया कि देखो मम्मी आ गई है, तो वो थोड़ा मुझे अवॉइड कर रहा था, मतलब वो ऐसा है कि
अपने अंदर रखता है, इमोशन बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, तो अपने आप को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और हमारा माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश करता है। तो वहाँ पे जब वो सो रहा था, जब उसको उठाया कि देखो मम्मी आ गई है, तो इधर उधर की बातें कर रहा था कि देखो पापा मम्मी आ गई है, देखो मम्मी मैंने न्यू शूज पहने, मतलब इस तरह की बातें कर रहा था। तो ये मतलब देख के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत उदास था उस टाइम पे। और तो उसको जब बोला गया कि आओ मम्मी के साथ फोटो क्लिक कर लें, तो वो मेरे पास ही नहीं आ रहा था। तो ये देखकर मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब उस टाइम पे उसको ऐसे देख करके मतलब मुझे थोड़ा सा रोना आ गया था। तो जो वहाँ पे नर्स थी जो मेरे साथ आई थी मुझे नीचे लेकर के, वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हो गया है। मैंने बोला कि कुछ नहीं, 3 दिन बाद अपने बेटे से मिल रही हूँ, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। और उसके बीच में भी वो एक बार मुझसे मिलने आया था, जैसे 7 अगस्त को मेरी डिलीवरी हुई थी, तो 8th को मेरा बर्थडे था। तो मैंने नर्स से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जैसे ये लोग आते थे मम्मी का खाना देने के लिए, तो मैंने नर्स से रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बेटा है छोटा, 2 दिन से मैं उसे मिली नहीं हूँ, प्लीज़ वो 10 मिनट के लिए उसे मिलने दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो वो मुझसे 10 मिनट के लिए मिलने आया था। और उस टाइम पे वो जब आया था, तो बस उसको जो न्यू बॉर्न था बेबी, उसको देख करके बहुत खुश हो रहा था कि ये देखो ये मतलब मेरा छोटा बेबी आ गया है, या पापा देखो मम्मी यहाँ लेटी हुई है। तो उस टाइम पे जो मेरे जो ट्रिप लगी थी, ये सब देख करके वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अपसेट हो गया है। और जब वो जाने लगा था, तो वो इतना रो रहा था कि नहीं कि मम्मी के पास जाना है, छोटा बेबी के पास जाना है। तो मतलब ये सब जो चीज़ें थी, बस यही अच्छी नहीं थी, बाकी सब इस टाइम सब ठीक था। क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर ऐसा नहीं होता, बाहर अगर इन्फेक्शन ये सब नहीं होता, तो वो मिलने आ सकता था, ऐसे कुछ नहीं होता, हो सकता मेरे साथ भी वहाँ पर रुक जाता। लेकिन ठीक था, ये भी सेफ्टी के लिए ही था। और घर आने के बाद मुझे ये टेंशन थी कि मतलब घर जाएंगे तो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अब तक सब सेफ था, अब घर जाएंगे तो रिलेटिव मिलने आएंगे, या कोई ना कोई आता रहेगा, या जो छोटा मोटा जो फंक्शन होता है जैसे छठी होती है 6 दिन पे, या जैसे हमारे यहाँ 12 दिन पे किया जाता है, तो वो सब होगा, तो मतलब कैसे होगा। लेकिन थैंकफुली मेरे इन लॉज ने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था, मना कर दिया था कि अभी कोई मिलने नहीं आएगा। तो 12वें दिन पे जो भी सेलिब्रेशन होता है, वो भी हम घर में जितने लोग थे, 4-5 लोग हम लोगों ने ही कर लिया था। तो ये जो एक थी मतलब डिलीवरी से पहले ही मेरे माइंड में ये हमेशा बात रहती थी कि अगर कोई मिलने आएगा डिलीवरी के बाद, सब कैसे मैनेज होगा, सबको कैसे बोलेंगे, कैसे मना करेंगे, कि हो सकता है कोई मानेगा या कोई नहीं मानेगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो न्यूबॉर्न के लिए और मेरे लिए डिलीवरी के बाद वो सेफ नहीं था। और ये था कि जब घर आने के बाद मतलब जब मैंने देखा था कि यार जो न्यूबॉर्न था, जो बच्चे न्यूबॉर्न होते बहुत ही छोटे होते हैं, और जब मैं बड़े बेटे को देख रही थी युवान, तो उसे मुझे देख करके ऐसा लग रहा था कि मतलब ये इतना जल्दी इतना बड़ा भी हो गया, कि मतलब पता ही नहीं लगा टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मतलब मिक्स इमोशंस आ रहे थे उस टाइम पे मन में, कि इतना बड़ा ये हो गया है अभी तक, अब मैं इसको कैसे टाइम दे पाऊंगी, कि मुझे तो छोटे वाले को देखना है। तो मतलब ये सब बातें जो मन में उस टाइम पे चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इस टाइम पे जो मुझे स्टिचेस में पेन था, वो मतलब बहुत ही कम था। जो मेरा फर्स्ट सीजरियन हुआ था, उसमें मुझे घर आने के बाद भी बहुत पेन था, 10-12 दिन तक धीरे धीरे ठीक हुआ था, लेकिन इस टाइम पे घर आने के बाद मुझे इतना पेन नहीं था उसमें। बस उठने बैठने में थोड़ा बहुत पेन होता था, तो ये था कि ईजिली मैनेज हो गया, कि मैं युवान को भी टाइम दे पा रही थी, जैसे उसको खाना खिलाना है, उसको सुलाना है, तो इजली मैनेज हो गया था। क्योंकि जो मेरा जो छोटा बेटा है, वो ज़्यादा सोता है, लेकिन जब युवान जब हुआ था, तो वो बिल्कुल ही नहीं सोता था, कि दिन भर उसको गोद में लेके बैठते थे, और रात रात भर मैं उसको गोद में लेके बैठी रहती थी, कि वो बिल्कुल ही नहीं सोता था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं अभी अगर जो छोटा बेटा हो गया है, तो मैं अब युवान को टाइम कैसे दे पाऊंगी। लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है, वो ज़्यादातर सोता है, इसलिए मुझे युवान के साथ भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। और 10 दिन के बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि आपको विजिट करना होता है 10 दिन के बाद, जो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग थी उसको भी हटाने के लिए। तो उस टाइम डॉक्टर ने मेरे चेक किया था, स्टिचेस भी बिल्कुल ठीक थे, ऐसी कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, ड्राई थे। लेकिन 1 महीने के बाद हुआ था कि मेरे स्टिचेस में साइड में जहाँ से स्टिचेस स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे मेरे खोल हो गया था। क्योंकि जब स्टिचेस करते हैं, तो वहाँ पे एक नोट थी, तो जब मैं 10 दिन के बाद जब गई थी, तो वहाँ से वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हटा के वो नोट उन्होंने कट कर दी थी। तो 1 महीने बाद क्या हुआ कि वहाँ से टांका खुल गया था, फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, उन्होंने ड्रेसिंग कर दी थी। इस पे हो सकता है मैं एक अलग से वीडियो करूँगी, कि अगर आपका टांका खुल जाए या कोई होल हो जाए, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब उसको जल्दी ठीक हो सकता है, इस पे मैं अलग से वीडियो करूँगी।
लेकिन अब जो मेरे स्टिचेस है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा सेकंड सिजेरियन का, ये भी अच्छा रहा है। जो फर्स्ट सिजेरियन का था वो भी अच्छा था। उस टाइम मेरी जो पेस्टिंग हुई थी तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम आई नहीं थी कि स्टिचेस खुल गया या ऐसा कुछ। लेकिन इस बार मेरे मतलब माइंड में जो एक मेन जो टेंशन थी वो यही थी मतलब कोरोना की वजह से कि सब कैसे मैनेज होगा, लेकिन सब इजिली मैनेज हो गया। तो अगर आपकी डिलीवरी अगर होने वाली आने वाले कुछ दिनों में, तो बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। फिर कुछ प्रिकॉशन लेनी है कि आपको प्रेगनेंसी में भी प्रिकॉशन लेनी है कि मिलना जुलना कम करना है। और उसके बाद तो आप सबको मना कर ही सकते हो कि अभी जो न्यू बोर्न है उसको मतलब ज्यादा रिस्क है, या और आपको भी उस टाइम पे ज्यादा रिस्क होगा डिलीवरी के बाद, तो इसलिए कुछ टाइम तक जो है आपको विजिट ना करें। और जो घर वाले हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो, वैसे भी उनको भी पता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो भी आपका ही साथ देंगे, तो आपके साथ ही खड़े रहेंगे, इसलिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सो होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी से मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।